अमन के एनकाउंटर का धमाकेदार प्लान रेडी। क्वाइट के बाद इंडिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। हिंद महासागर में एक और देश ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी, ये आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज है। मदद ऑस्ट्रेलिया को मिली लेकिन दर्द चीन को हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी पार्टनर है। हिंद महासागर में चीन को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का डबल चैलेंज मिलेगा। ये खबर सुनते ही चीन के साथ पाकिस्तान को भी मिर्ची लग गई। बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल स्टेज में। अमेरिका के बयानात, अमेरिका की प्लानिंग, वो सारी खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में, जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, इस इलाके में अमेरिका एक एशियन नेटो बनाने की बातें कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन कैसे मिलेगी, इस टेक्नोलॉजी का असर क्या होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले पूरी डील को समझिए। हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक नई सिक्योरिटी पार्टनरशिप की है। इसका नाम है ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के नाम को मिलाकर इस पार्टनरशिप को नाम दिया गया। तीनों देशों का पार्टनर बनने से पहले ही टारगेट सेट था अगले 18 महीनों में न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने का प्लान तैयार हो जाएगा। एक वर्चुअल मीटिंग में ये बात तीनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने बताई। यानी अब ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी की मदद से चीन का सामना करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी देंगे। न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी इस वक्त सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इंडिया, चीन और फ्रांस के पास है, और हिंद महासागर के इलाके में सिर्फ भारत और चीन के पास ही परमाणु पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी बनाना बहुत महंगा और मुश्किल है, इसलिए पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो है लेकिन एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मिलने की बातें पाकिस्तान के दोस्त चीन को खतरनाक लग रही है। ऑस्ट्रेलिया